हेलो स्टूडेंट, वेलकम हियर। देर इज अ गिवन आवर यूनिट 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब हमें हमारे प्लांट्स के बारे में जानना। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। मतलब जो ग्रीन कलर की ग्रास वगैरह होते हैं वो पैचेस होते हैं ना, वो। सम हैव ग्रीन लीव्स while some other have reddish one. Some have huge red flowers, some have teeny blue ones, while some have none. मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें, कुछ में फ्लावर्स हैं, कुछ में नहीं है, कुछ की लीव्स अलग 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 है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हमें इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ना है। As we all know, Earth is the only planet in our solar system that has the viable condition for life to exist. मतलब एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिसपे कि सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज द मेन रीजन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ इट वेरंट फॉर द ऑक्सीजन एमिटिंग प्लांट। लाइफ वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक शेप ऑन अर्थ। मतलब विदाउट ऑक्सीजन अर्थ पे हम रह नहीं सकते हैं, ये हमें सबको पता है, ठीक है। दिस प्लांट्स आर नॉट ओनली अवर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बट ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ द फूड दैट वी ईट। मतलब जो प्लांट्स हैं उन्हें हमें पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये एक मेजर सोर्स सिर्फ ऑक्सीजन के नहीं हुए, इसमें से हमें क्या मिलता है, फूड भी मिलता है जो हम खाते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स और श्रब्स और उसके ट्रीज के बारे में। So we can classify plant on the basis of the thickness of their stem and the place of origin of their branches into three broad categories. मतलब उनकी branches के accordingly, उनके stem के accordingly, मतलब उनका stem कितना thick है इसके accordingly हम उन्हें तीन category में divide कर सकते हैं, herbs में, shrubs में and trees में। और इस हर्ब श्रब ट्रीज के बारे में तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, इवेंचुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड से। हर्ब्स, दिस आर प्लांट्स दैट हैव ग्रीन एंड फ्रेल स्टेम। मतलब इसके जो स्टेम है वो कैसे हैं, ग्रीन और फ्रेल। यूजुअली दिस आर स्मॉल प्लांट्स विथ नॉट मैनी ब्रांचेस। मतलब इसमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होती हैं, कम होती हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर बेजिल, कोरिएंडर, मिंट, ओरिगेनो, थाइम, पर्सेलाई एंड रोजमेरी। मतलब रोज प्लांट वगैरह ये सब किसके हैं, हर्ब्स। बेजिल है, मिंट है, कोरिएंडर मतलब धनिया वगैरह, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, राइट। हमने देखा है मिंट में भी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, और वो कैसा होता है, उसका स्टेम ग्रीन कलर का और फ्रेल ही होता है, उसे हम कहते हैं हर्ब्स। लुक एट दिस पिक्चर गिवन टू यू, कोमोइल, सेंट जॉनसन वॉर्ड, मैंजोरा, ग्राम स्टार, एनिस, फिर चिकोरी, कैलेंडाइन, रोजमेरी, एवोकाडो, सेज, बेजिल, मस्टर्ड एंड डिल। मस्टर्ड देखा है आपने, मस्टर्ड यानी सरसों, उसमें भी बहुत सी ब्रांचेस नहीं होती है। हर स्मॉल प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम, इनके नेम कैसे हैं, टेंडर। नेक्स्ट इज श्रब्स, दिस आर प्लांट्स विथ हार्ड बट नॉट एक्सट्रैक्टली थिक स्टेम। मतलब इसके स्टेम जो है वो हार्ड है बट एक्सट्रैक्टली नहीं है। देयर ब्रांचेस जर्नली ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम। मतलब उनके बेस में से उनकी ब्रांचेस होती है। दिस आर मच टॉलर देन हर्ब्स बट यूजली शॉर्ट देन ट्रीज। मतलब ये हर्ब्स से बड़े होते हैं बट ट्री से छोटे होते हैं। जैसे फ्लावर वगैरह के पेड़ है वो बड़े होते हैं, ठीक है। मिंट वगैरह के बहुत छोटे होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं, और श्रब्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स आर एलोवेरा, रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, ब्लैकबेरी प्लांट। ये सारे कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। मतलब श्रब्स हैं जो कि हर्ब्स से बड़े बड़े हैं पर ट्री से कैसे होते हैं, छोटे। ट्रीज, दिस आर प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम। मतलब इसका स्टेम कैसा होता है, थिक और हार्ड होता है, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। द ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ अ
ऑफ द ट्री एंड आर वेरी हाई अबोव द ग्राउंड. और ये क्या होती हैं, इनकी ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, जैसे श्रब्स हैं उसमें तो मेन स्टेम में से ही निकलती हैं ब्रांचेस, बट इसमें क्या होता है कि मेन जो स्टेम है उसमें से ब्रांचेस निकलती है और ब्रांचेस में से भी ब्रांचेस निकलती हैं बड़े ट्रीज में, ठीक है, ये है. और वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर नीम, पीपल, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री. इसके अलावा हम कह सकते हैं ओक ट्री, राइट. ये सारे ट्रीज जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं. देयर आर टू अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच आर, और इसके अलावा ये तीन मेन हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. उसके अलावा दो और हैं कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट है क्रीपर्स. वट इज़ अ क्रीपर्स? दिस आर प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम एंड हैंस कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड इंस्टीड सेपरेट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. मतलब इनका जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है. और ये क्या होते हैं, स्ट्रेट नहीं हो पाते, इसलिए वो ग्राउंड में हर जगह फैले हुए होते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल आर स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन एंड पंपकिन. उसके अलावा है मस्क मिलन, राइट. फिर बॉटल गार्ड, ये सारे कैसे हैं, क्रीपर से. ये सारे ग्राउंड पे ही होते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर. क्लाइंबर्स क्या है, दिस आर ऑल्सो प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम बट इंस्टीड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड दे टेक सपोर्ट विथ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट टू क्लाइंब. मतलब ये सारे कैसे हैं, ये जमीन पे नहीं रहते हैं, इन्हें क्लाइंब किया जाता है, मतलब ऊपर. क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना, ठीक है. तो इन्हें रस्सी या फिर लकड़ी वगैरह से क्लाइंब कराया जाता है ऊपर की तरफ. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स आर कुकुम्बर, बीन्स, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट, ईटीसी. मनी प्लांट की वेल देखिए, इसमें इन सब में क्या होती है, वेल होती है. और वेल को क्या किया जाता है, हम वेल को हमेशा ऊपर की तरफ क्लाइंब कराते हैं. तो पी प्लांट में, ग्रेपवाइन में, मनी प्लांट में, ये सब कैसे होते हैं, इन सबको हमें ऊपर की तरफ हैंग करा के रखना होता है. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टेम. मतलब कि ये सारे जो भी हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सब किसके बेसिस पे हुए हैं, स्टेम के बेसिस पे. कि स्टेम उसका कैसा, थिन है, थिक है, किस टाइप का है, उसके बेसिस पे हमने उसे डिस्क्राइब किया. तो अब हम स्टेम के बारे में देखते हैं. तो स्टेम में क्या है, फर्स्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं. तो लीव्स केयर, मतलब जो छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं वो. ग्रोथ ऑफ टू ईयर्स एगो ट्री ईयर्स ओल्ड, मतलब कि ट्री की कितनी ग्रोथ है वो उसके फर्स्ट जो सर्कल दिया है उतने एरिया से बता सकते हैं. फिर उसके सेकंड दो एरिया के बीच में दिया है लास्ट ईयर्स ग्रोथ टू ईयर्स ओल्ड, मतलब उसके लास्ट ईयर की ग्रोथ कितनी है वो. स्कार्स लेफ्ट बाय टर्मिनल बर्ड स्केल्स ऑफ प्रीवियस विंटर्स. फिर उसमें जैसे जो ब्रांच निकल रही है उसके बारे में देखते हैं. सो राइट साइड में वन ईयर ओल्ड साइड ब्रांच फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड नियर शूट एपेक्स, मतलब इसमें से एक साल की ये ब्रांच है, उसमें से भी आ रहे हैं नोड, राइट, और इंटर नोड आ रहे हैं. फिर इसके बाद जो बड़ी सी ब्रांच दी हुई है स्टेम की, उसमें क्या है, दिस ईयर्स ग्रोथ, इस ईयर की ग्रोथ कितनी है वो दे रहे हैं. इसमें भी टर्मिनल बर्ड दिया हुआ है ऊपर और बर्ड दिया हुआ है. फिर एक्सिलरी बर्ड्स हैं. लीव्स केयर मतलब उसमें से लीव्स जो निकल रही है वो. तो ये सारी प्रोसेस है स्टेम की. स्टेम सो फॉर्म दिस सो ये सारे स्टेम है, इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये कितने ईयर ओल्ड ट्रीज हैं. ट्रीज को जब भी हम मेजर करते हैं उनकी ईयर, तो उनके उनको कट करते हैं तो उसमें जितने सर्कल बनते जाते हैं उस सर्कल के वजह से ही हम उसे बता सकते हैं कि ये कितने ईयर के हो चुके हैं. द स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. मतलब प्लांट्स में जो वाटर सप्लाई करता है वो कौन करता है, स्टेम करता है, राइट. इट इज द स्टेम विच बियर्स ब्रांचेस, फ्लावर, लीव, फ्रूट्स एंड बड्स. द रूट शक्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज द स्टेम फंक्शन टू पुश दिस वाटर अपवर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब रूट जो होता है उसका काम क्या होता है, वो वाटर और मिनरल्स लेता है सॉइल में से और उसके बाद
उसका काम यही हुआ सिर्फ लेने का। और उसके बाद जो स्टेम का काम है, स्टेम का वर्क है, वो पूरे पार्ट में, मतलब जो भी प्लांट है, ट्री है, उसके पूरे पार्ट में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय शॉकिंग द स्टेम ऑफ अ प्लांट इन अ ग्लास विथ वाटर। वाटर में हमने प्लांट को एक रखा, ठीक है, स्टेम सहित। ऑन एडिंग कलर इंक टू द वाटर वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर अ वाइल द स्टेम एंड लीव्स टू द प्लांट स्टार्ट टू टर्न द कलर ऑफ द इंक विच इज प्रूफ दैट द स्टेम कैरीड द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो हम इससे बता सकते हैं, जैसे कि अगर हमें इसे एक्टिविटी करनी है तो एक ग्लास में हम कलर वाला पानी लेंगे, ठीक है, फिर एक क्या बोलते हैं प्लांट वाला, प्लांट की जो भी है स्टेम कट करके उसमें रखेंगे लीव्स के साथ, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि जो लीव्स के कलर हैं वो चेंज होते जाएंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन।